हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हमारा जो एलपीपी मैथ चल रहा है बीएससी वालों के लिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चल रही है। उससे पहले लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था कि किस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, बैलेंस और अनबैलेंस, और उसके किस किस मेथड से उनका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, उसके ऊपर बात किया था। तो ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बताया था, हम उसके आज पहले मेथड के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे अगला मेथड फिर हम बाद में करेंगे, लिस्ट कॉस्ट मेथड, उसके बाद वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हम करेंगे। तो आज हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, तो इस मेथड का क्या यूज है, नॉर्थ वेस्ट जो को ये हमारा मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये क्या फाइंड करता है, हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या फाइंड करता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हमारा फाइंड करता है, ठीक है। और वो उसके बाद भी एक चीज़ और, किस किस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सबसे किसका फाइंड करेगा, ओनली ये बैलेंस का। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन अनबैलेंस है तो उसको क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस करेंगे उसके बाद उसका फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किसी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करना सीखेंगे ओनली। आने वाले लेक्चर्स में हम अनबैलेंस का भी करेंगे, ठीक है। पहले हम तीनों लेक्चर को, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, लिस्ट कॉस्ट है और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, उनके ऊपर पहले बैलेंस पे बात करेंगे, फिर हम तीनों के अनबैलेंस के ऊपर बात करेंगे, देन हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं आज के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमारा क्या है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने बता दिया था कि इस प्रकार से हमारा क्या दिया हुआ होगा, हमारा ये दिया हुआ होगा टेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हमें चेक करना कि बैलेंस है कि नहीं है। तो मैंने बताया था टोटल सप्लाई, इन सभी का सम और इन सभी का, ये हमारी क्या क्या थी, डिमांड थी, क्या थी, डिमांड थी, और इसको क्या बोलते हैं हम, सप्लाई, क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो बैलेंस के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बैलेंस के लिए मैंने बताया था आपको कि टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, मैंने आपको ये बताया था। तो इसमें क्या है, हमारा सम करके देखेंगे तो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 इसका सम कितना हो गया 100, 15 प्लस 35 कितना हो गया 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 30 100, तो दोनों का सम कितना आ गया 100। तो दोनों का 100 प्लस 100 तो क्या हो गई हमारी, एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई। अब आगे बात आती है इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट, सबसे पहले हम नाम के ऊपर चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, हम इसको या तो कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब इस कॉर्नर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इसको, या तो आप इसको कंटिन्यू हॉरिजेंटली करना या आप इसको वर्टिकली करना, ठीक है, या तो ऐसे लिख करते जाना या फिर ऐसे करते जाना, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें डिमांड को देखना है, जो S1 के अकॉर्डिंग सप्लाई है उसको देखना है, और S1 के जो हमारा ये कॉलम है S1 वाला जो हम पहला देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिमांड देखनी है। तो सप्लाई कितनी है 20 है, डिमांड कितनी है हमारी 15 है, दोनों में से कम कौन सी है 15। तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा के इधर कितना लिख दूंगा 15 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 15 लिख दूंगा, और इधर 15 में से 15 गए कितने बच गए 0, और 20 में से 15 गए कितने बच जाएंगे 5। अब देखो ये क्यों किया, जो हमारा S1 है वो कितनी सप्लाई करता है 20 सप्लाई कर सकता है, लेकिन हमारा जो ये D1 है इसको कितनी डिमांड की जरूरत है 15 की, तो दोनों में से कम है हम वो लिख देंगे। अब इधर क्या हो गया, ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया, तो इस पूरे कॉलम को जो 0 हो जाएगा, अगर रो 0 हो जाती तो रो को कैंसिल कर देते, अगर ये कॉलम 0 हो रहा तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, ऐसे जो हमारी डॉट 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 है ऐसे हम डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आगे चलेंगे इधर, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे इधर कितना है, सप्लाई कितनी है 5 और डिमांड कितनी है 35, तो दोनों में से छोटा है उसको लिख देंगे। इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा, और 5 में से 5 गया कैन 0, और 5 में से ये इधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा इधर हमारा 30। तो अभी इधर 0 हो गया, तो क्या करेंगे इस पूरी रो को क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे पूरा। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, आप बोलोगे सर आपने बोला था कि कंटिन्यू ऐसे चलेंगे, अब ये कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, अगर ये कैंसिल नहीं होता तो हम कहाँ आते, यहाँ आते, लेकिन ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, तो अभी हम कहाँ जाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ देखो इस कॉलम के अकॉर्डिंग, इस रो के अकॉर्डिंग कितनी है डिमांड है 30, और इधर सप्लाई भी कितनी है 30 और डिमांड भी कितनी है 30, तो हम मिनिमम देखते थे, लेकिन इधर तो क्या है दोनों सेम है, तो सेम है मतलब कोई सा भी लिख देंगे, इधर भी कितना हो जाएगा 30, तो इसकी भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। इस केस में हमारे तो ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, मैंने बताया था 0 वाली को हम क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा
कट हो जाएगा, और इसकी भी पूरी हो गई तो हमारा ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि दो इसकी सप्लाई भी पूरी हो गई, इसकी डिमांड भी पूरी हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन। अब इसके बाद ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें नेक्स्ट रो में चलना पड़ेगा। अभी हम रह जाएंगे यहाँ पे, अभी क्या करेंगे देखो, इसकी सप्लाई कितनी है 50, बट इसकी डिमांड कितनी है 20, तो दोनों में से कम कितना है, कौन सा है 20, तो हम इधर क्या लिख देंगे 20, तो 20 में से 20 चले जाएंगे 0, और इधर कितने बच जाएंगे 30, कितने बच जाएंगे 30, तो ये 0 हो गया। अभी इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। अभी देखो इसकी 30 सप्लाई बची है और 30 इसकी डिमांड है, तो इधर कितना आ जाएगा 30, ये भी 0 और ये भी 0 स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने सारी, तो हमारी सप्लाई खत्म हो गई, सारी उसकी डिमांड भी खत्म हो गई, और हमने इस ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट भी कर लिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। अभी आप जो जो हमारे देखो, हमने कॉलम में जो नए हमारे जो आई है को ये, तो ये कितना है 15 + 5 कितना है 20, 20 + 30 कितना हो गया 50, 50 + 20 70, 70 + 30 100, और हमारी कितनी थी 100 ही थी हमारी डिमांड और सप्लाई। तो हमारा ये इस प्रकार हमने देखा, या सारी सप्लाई और डिमांड क्या हो गई 0 हो गई, तो हमारा हर तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, और 100 के इक्वल भी आ रहा है। इसके आगे हम इसको क्या करेंगे, देखो जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं, सॉल्यूशंस हमारे क्या क्या आए हैं, जो हमारा ये है, ये कौन सा है, मैंने क्या बताया था C11, तो इसको क्या लिखेंगे X11, कितना आया हमारा 15, जो हमारे नए कॉस्ट आए हैं ये वाले ग्रीन वाले, ये आ गए, इसको क्या लिखेंगे, जैसे मैट्रिक्स में लिखते थे X12, क्या लिखेंगे X12, ये कितना आ गया 5। अब सेकंड रो में चलेंगे, सेकंड में चले गए तो क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है हमारा 30। उसके बाद थर्ड रो में चलेंगे, थर्ड में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कितना जाएगा X33, कितना आ गया हमारा 20। अब देखो X34, ये कितना आ गया 30 स्टूडेंट्स। तो ये हमने इस प्रकार सारे लिख दिए जो जो हमारे नई कॉस्ट आई थी। अब हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या रहेगा, इधर देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या कॉस्ट, ये भी लिख सकते हैं हम इधर, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो जो हमारा अब जो हमने सॉल्यूशन किया उसके ऊपर चलते हैं, जो जो ये हमारी नई कॉस्ट, नई हमें जहां पे हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो ये लगाए हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सभी की मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट हम निकाल देंगे कि उसको टोटल कॉस्ट कितनी लगे सप्लाई और डिमांड पूरी करने पर, उसकी सप्लाई भी पूरी हो जाए और सभी की डिमांड भी पूरी हो जाए, तो सभी की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर कितना आएगा 15 × 4 + 5 × 3, अभी क्या करेंगे 30 × 10, आगे देखते हैं 20 × 12 + 30 × 7, इन सभी को सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 820 आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, अभी हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा, इधर से इनका सभी का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 825 RS आएगा। अब जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैंने कराया है, ये जो सेम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है हमारा, जो लिस्ट कॉस्ट मेथड अगला है, उसके बाद वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, तीनों में जो बैलेंस प्रॉब्लम है, तो तीनों मेथडों में सबसे बेस्ट मेथड कौन है, सबसे बेस्ट मेथड में सबसे कम कॉस्ट किस मेथड से लग रही है हमारी, वो तीनों में मैं एक क्वेश्चन सेम लूंगा, और सॉल्यूशन सोलर मेथड जो सोल्व करने का वो डिफरेंट रहेगा हमारा, बट आंसर अलग अलग आएंगे तीनों के, तीनों की कॉस्ट मिनिमम आएगी, सबसे बेस्ट कॉस्ट आएगी हमारी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं सभी में सेम लूंगा, एक क्वेश्चन मैं इसका और करा देता हूं आपको, ये देखो अभी हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है, ये क्वेश्चन देखो अभी क्या है, सोल्व बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जैसे भी आ सकता है, ठीक है, उसमें ये नहीं देगा कि फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको ये भी दे सकते, सोल्व बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, तो इसका सम कितना आएगा 7 + 9 कितना हो जाएगा 16 + 18 कितना हो जाएगा 34, टोटल सम कितना आएगा 34। इधर देखो 5 + 8 कितना हो गया 13 + 7 = 20 + 14 = 34, तो इसका भी सम कितना आ गया 34, तो दोनों का कितना आ गया 34। तो इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, तो हम इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो अभी हम चलेंगे टेबल के ऊपर, तो सबसे पहले मैंने बताया था कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया,
अब देखो मिनिमम देखो सप्लाई कितनी है 7 और डिमांड कितनी है 5, तो इसको तो ओनली 5 ही चाहिए, मिनिमम वाला लिख देंगे यहाँ पे, तो इसकी डिमांड कितनी हो जाएगी 0 और सप्लाई कितनी बच जाएगी इसकी S1 की 2 बच जाएगी। अब ये हो गया 0, तो इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद चलेंगे देखो अभी इसकी सप्लाई कितनी है 2 है और डिमांड कितनी है 8 है, तो मिनिमम वाला लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 लिख दिया और यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, इधर कितना बच गया हमारा 6, तो 0 कौन सा ये 0 हुआ, इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल, जिसकी डिमांड और सप्लाई कंप्लीट जो 0 आ जाए उसी को हम कैंसिल करता हुआ चलेंगे। ये भी कंप्लीट अभी हमारा यहाँ पे, यहाँ कितनी है सप्लाई कितनी है 9 और डिमांड कितनी है 6, तो जो छोटा है वो लिख लेंगे, इधर कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0 और 9 में 6 का कितना हो जाएगा 3, तो इसको कर देंगे हम कैंसिल। उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी कितनी है सप्लाई कितनी है 3, डिमांड कितनी है 7, छोटा है वो लिखेंगे पहले, ये 3 है ये कितना हो गया 0 हो गया और इधर कितना बच गया 4, तो 0 ये हुआ, तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे 2 बच गए, इधर देखो इधर 18 है, इधर कितना है हमारा 4 है, तो को छोटा कौन सा है हमारा 4, तो मैंने इधर 4 लिख दिया, इधर कितना बच गया 0 और इधर कितना बच गया 14, ये क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल क्योंकि ये 0 हो गया। अब एक ही कॉलम बता, 14 ही डिमांड है 14 ही सप्लाई है, तो इधर क्या लिख देंगे 14, इधर भी 0 हो जाएगा 14-14, इधर भी पूरा, तो देखो सारी डिमांड कंप्लीट हो गई और सारी सप्लाई भी कंप्लीट हो गई, तो इधर से हमें पता लग रहा है कि हमने जितना क्वेश्चन सोल्व किया वो हमारा क्या है बिल्कुल सही है। अभी हम ये इसको ऐड करके देख लेते हैं, 5+2 7, 7+6 13, 13+3 16, 16+4 20, 20+14 34, और हमारी डिमांड सप्लाई कितनी थी दोनों 34, तो हमारा इधर तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अभी हम निकालेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या कॉस्ट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सेम मैंने बताया था आपको 5 की मल्टीप्लाई 9, तो हम पहले लिख लेते हैं, मैं इधर पहले लिख देता हूँ, X11 कितना आ गया हमारा 5, X12 कितना आ गया 2 जो मैंने आपको लिखना बताया था अभी यहाँ पे, और X ये सेकंड मैट्रिक्स की तरह लिख रहा हूँ मैं आपने जो क्लास 12th में पढ़ा था, ठीक है, और X22 कितना आ गया हमारा 6, X23 कितना आ गया 3, आगे X33 कितना आ गया 4 और X34 कितना आ गया हमारा 14। अभी टोटल क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था जो आया उसका उसी कॉस्ट के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 × 9 + 2 × 30 + 6 × 30 3 × 40 + 4 × 70 + 14 × 20, इन सभी को सोल्व करेंगे तो हमारा 1015 इतनी आएगी कॉस्ट स्टूडेंट्स। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था यही क्वेश्चन था, बस मैंने कुछ नहीं किया क्वेश्चंस में, खाली जो मिनिमम कॉस्ट थी उसको मैं लिखता गया हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे आपका मन करे वैसे करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा मेथड है, इस मेथड में कुछ नहीं था, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें और हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो ये था आज का लेक्चर्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसको अच्छी तरह करना, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू स्टूडेंट।